सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए इसके निर्यात पर $300 प्रति टन का न्यूनतम मूल्य तय किया। इस साल प्याज का उत्पादन कम हुआ है। किसान बरसात से पहले ही अपने प्याज को बेचने की तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। बीएल जोशी 28 जुलाई 2009 से यूपी के राज्यपाल हैं। बीएल जोशी 2004 में दिल्ली के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। यही नहीं, वे मेघालय और उत्तराखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। केंद्र सरकार ने देश में भूमि के कटान को पूरी तरह से रोकने और उसकी उर्वरा क्षमता को बढ़ाने के लिए 2030 तक का लक्ष्य तय किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के ताजा प्रयास और लोगों की भागीदारी को बढ़ाकर इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने उत्तराखंड में पिछले साल आए विनाश के एक साल पूरा होने पर दिल्ली में यमुना किनारे पेड़ लगाकर देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि गंगोत्री, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, नवद्वीप, गंगा सागर और नई दिल्ली में अभियान चलाया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार से मांगा त्याग पत्र। कहा, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने खाद्यान्नों के बेहतर प्रबंधन के जरिए बढ़ी हुई कीमतों पर नियंत्रण की आशा जताई है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति इराक के कारण पैदा होने वाले किसी भी असर से निपटने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने देश में बढ़ती महंगाई दर पर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। कहा, यूपीए सरकार के वक्त भी राज्य सरकारें जमाखोरों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी और इस कारण महंगाई बढ़ी थी। उन्होंने पूछा कि भाजपा सरकार में महंगाई दर बढ़ने के क्या कारण हैं। मुंबई में कैंपाकोला निवासियों को दो दिन की राहत मिली। बीएमसी ने फ्लैट के बिजली, पानी और गैस की सप्लाई काटने के लिए आज का दिन निश्चित किया था। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ई रिक्शा पर रोक नहीं लगेगी, पर इसके साथ ही इस पर केवल 4 सवारियां ही बैठाई जा सकेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि ई रिक्शा को चलाने वाला चालक ही मालिक होगा। शेयर बाजार में देखने को मिली राहत। सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 25,521 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 98 अंक मजबूत होकर 7,632 अंक पर पहुंचा। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे वनडे मैच में भारतीय बल्लेबाजी हुई सस्ते में ढेर। पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर बनाए 105 रन। बांग्लादेश के गेंदबाज तस्कीन ने झटके 5 विकेट। फीफा विश्व कप में बेल्जियम की टीम आज से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टीम का पहला मुकाबला अल्जीरिया के साथ होगा। बेल्जियम की टीम इस दफा सबसे अप्रत्याशित टीम के रूप में सामने है।